हल्द्वानी से सटे गोलापार स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल के 10 दिव्यांग छात्र इस बार अपने पहले मत का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी उम्र के 18वें पड़ाव में पहुंचे हैं। वहीं 15 ऐसे छात्र भी हैं जो दूसरी बार मतदान करेंगे। खैर, इन विशेष बच्चों का सरकार चुनने के प्रति खासा क्रेज है और इन बच्चों को स्वीप की ओर से ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। आप भी सुनिए इन बच्चों का क्या कुछ कहना है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम भावना है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मैं भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी एक मतदाता बन चुकी हूँ। और मैं अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छी सरकार चुन सकती हूँ, जिससे कि वो हमारी सहायता करे, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जितने भी नागरिक हैं, सभी असहाय लोगों की, सभी गरीब लोगों की सहायता करें। सर, मेरा नाम कविता है और मैं पहली बार वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक ऐसा नेता चुनना चाहती हूँ जो हमारा ही नहीं पूरे देश के लिए करे और पूरा जिससे पूरा देश का भविष्य भी अच्छा हो। जैसे दिव्यांगों के लिए स्कूल कॉलेज हो, जो इसमें पढ़ाई की सुविधा हो। सर, इस बार हमको पता चला कि एक मशीन होती है, उसमें 1 से लेकर 16 तक हमारे लिए नंबर्स लिखे होते हैं और जैसा हम किसी को भी अपना मत देंगे उसी बटन को हम दबाएंगे। मेरा नाम इरम हुसैन है और मैं काठगोदाम की हूँ और कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मैं 18 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर चुकी हूँ। और मेरा यह कहना है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं तो जो हमारा विधायक है वो हम पूरे समाज के लिए और दिव्यांग के लिए मूलभूत हमें सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और जैसे कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और जैसे कि हम जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें भी हमें राइटर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ। और पहले मैं सोचती थी कि मैं मतदान देने नहीं जाऊँगी, लेकिन अब जब से मैंने वोटर आईडी वाली मशीन देखी परसों से, तो तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी वोट देना चाहिए। और तब से मैंने मन में सोच लिया है कि अब मैं हर बार वोट देने जाऊँगी और मैं ऐसे नेता को वोट दूँगी जो मेरे और हमारे सारे दिव्यांगजन की मदद करे। सर, पहले इसलिए सोचती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद हम दिव्यांग भी वोट नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ क्या पता हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन परसों जब मैंने वो मशीन देखी तो अब जितने भी मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे वो उन सबका ही हल मिल गया है और सारी समस्याएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए मैंने परसों से सोच लिया था कि अब मैं भी हर बार वोट देने जाऊंगी। मेरा नाम अभिषेक सिंह कनवाल है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। अभी इसी वर्ष मैंने 18 साल की आयु पूर्ण की है और मेरा पहली बार है कि मैं मत डालने जाऊँगा। तो इसी संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी हैं, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनाएं, वो एक नागरिक भावना जो लोगों के मन में आते देश के प्रति अपनी सेवाएं दें। जो नेता हैं वो सभी अपने दल में रहें और उसी दल की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें, ये नहीं कि अलग अलग दल में जाएं और अलग अलग विचारधारा अपनाएं। इससे क्या होता है, जो नागरिक होते हैं कहीं ना कहीं उन नेताओं के प्रति उनका विश्वास उड़ जाता है। हम वोट डालने गए, कभी देखा नहीं कि वोट कैसे डालेंगे, तो अब जाएंगे उस चीज़ को महसूस करेंगे और एक अनुभव लेंगे कि किस तरीके से वोट डालेंगे। मेरा नाम प्रकाश सिंह बोहरा है, मैं नए में रहता हूँ और मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ। मुझे पहली बार वोट करने पर एक नागरिक भावना का एहसास हो रहा है। मेरा सभी से कहना कि वोट उस नेता की योग्यता और काम को देख कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में नेता आजकल दल बदल रहे हैं, इसलिए हमें वोट को उसके विकास को देख कर देना है। सर, स्वीप ने हमें ईवीएम और वीवीपैट के विषय में बताया कि किस तरह दिव्यांग छू करके उसमें 16 तक गिनती लिखी होती है उसको टच करके किस तरह उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। यह हमें सिप के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण कराया गया। सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में है उसको विकास की जो मूलभूत
जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक दल बदल की बात है, उत्तराखंड में आजकल दल बदल चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ हमेशा उस पत्थर पर रुकती है जो स्थिर रहता है, उस पत्थर पर नहीं जो इधर उधर लुढ़कता रहता है। इसलिए नेताओं को भी एक दल में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सत्ता के भोग के लिए दल बदल करें, ऐसा उचित नहीं है। मेरा नाम ज्योति नौला है, मैं अधीक्षिका नैब CCI से हूँ। और यहाँ पे अभी 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो इस बार वोटिंग करने के लिए जाएंगे, जिसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जाएंगे। और उन सभी के लिए स्वीप ने यहाँ पर मिलकर एक प्रशिक्षण किया है बच्चों के लिए, जिससे वो किस तरीके से वो वोटिंग करने जाएंगे, वहाँ पर वो एक कैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना नेता खुद से चुन पाएंगे, इसके लिए उन्हें यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया। और उसे कराने के बाद अब बच्चों में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट है कि वो अब अच्छे से इजीली कर लेंगे अपना वोटिंग। और उनको ले रही बात उनको यहाँ से वहाँ पर वोटिंग बूथ तक लेकर जाने के लिए, तो सभी बच्चे यहाँ पर यहीं पे पास में ही हमारा वोटिंग बूथ है, तो यहाँ पर उन्हें बस लेकर जाएंगी, जिसके माध्यम से वो आसानी से अपना वोटिंग कर सकते हैं।